गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं मनीष कुमार सिंह और मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ अभी मॉर्निंग अपडेट लेकर के। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों की अब भीड़ कम देखी जा रही है। लोगों में जो जलस्तर को लेकर के वृद्धि हो रही थी उससे बहुत उत्साह देखी जा रही थी, लेकिन अब लगातार पानी में हो रही है कटौती, जिससे लोगों में अब उतनी उत्साह नहीं देखी जा रही है। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरीके से अब लोग नाव के सहारे इस जल मग्न जगहों को कर रहे हैं पार। जी हाँ, अब एकमात्र सहारा बना नाव, जहाँ पे लोग अपने जीविका चलाने के लिए नाव के सहारा लेके अपने घर गांव से मार्केट तक आने का काम करते हैं। जी हाँ, बात रही मानक की, तो अब मैं आप लोगों को मानक का ये जो लाइव फुटेज है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जिसमें लगातार पानी कटौती हो रही है। जी हाँ, 1 से 1.5 इंच पानी की कटौती फिर देखी गई है, जिससे कुछ लोगों में ने अब राहत का सांस लेना शुरू कर दिया। जी हाँ, लगातार पानी की वृद्धि होने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। लोगों में जो डर था वो उसे ये सता रही थी कि पता नहीं क्या होगा, ये प्राकृतिक के द्वारा जो आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें ना जाने हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख पाएंगे। लेकिन जैसे पानी स्थिर हुआ, स्थिर के बाद पानी में अब कटौती देखी जा रही है। लोगों के मन में जो शंका थी उस शंकाओं पे मानो जैसे कि अब कमी आई। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं अब लोग यहाँ पे पानी में कटौती होने से लोग यहाँ पे अब अपने जीविका का काम के लिए मछली मारने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि हम आपको दिखा दें कि नाव एकमात्र सहारा रह गया है लोगों के लिए। आप देख सकते हैं पानी में कोई उतनी उछाल नहीं है, कोई उतनी तेज़ी नहीं देखी जा रही है। पहले के मुकाबले अब पानी थोड़ा शांत है। हमारी टीम लगातार आप लोगों तक लाइव फुटेज, लाइव अपडेट लेकर के आप लोगों के सामने आते रहता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। जी हाँ, इस वीडियो को अंत तक आप देखें, क्योंकि अभी हम आपको और कुछ जुड़ी हुई तथ्य से बात करना बाकी है। जी हाँ, जुड़ी हुई तथ्य से कुछ जानकारी आपको हम देने वाले हैं। वो जानकारी ये है कि लगातार जो पानी की वृद्धि देखी जा रही थी उससे गाटर को छूते हुए गाटर पे पानी चढ़ गया था, जिसमें अब कमी देखने को आई है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये जो पानी पहले गाटर को छू के पार करती थी, एक छोर से दूसरे छोर पे पार करती थी, जी हाँ, आप स्पष्ट देख सकते हैं अब पानी में वो गति नहीं रह गई। पानी में जो कटौती हुई है उसके अनुसार अब गाटर को पार नहीं कर रही है पानी। जी हाँ, हम आपको बता दें 1 से 2 जगहों पे पानी का जो जलस्तर है वो गाटर को पार कर रही है, बाकी जगहों पे सिर्फ पानी गाटर को छूने मात्र है। जी हाँ, इस प्रकार आपको मॉर्निंग अपडेट। मैं मनीष कुमार सिंह, कैमरामैन।